दोस्तों, टेक गाइड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आपका गाइड। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने चैनल का इंट्रो कैसे बनाते हैं। मैंने काफ़ी के चैनलों पे जाकर देखे हैं, उनके मैसेज पढ़े हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप अपने चैनल का इंट्रो कैसे बनाते हैं, कैसे इंट्रो बनाते हैं। और मुझे भी खुद का चैनल का इंट्रो बनाना था, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया। मुझे वाकई एक अच्छा चीज़ मिला है जो कि फ्री में इंट्रो बनाता है। मतलब फ्री में, कोई पैसा नहीं है, कोई उसमें वाटर मार्क भी नहीं है। जो अपन बाकी में दिखाता है कि फ्री वाले रहते हैं, उसमें वाटर मार्क डाल देता है, जिससे कि वो आपका वो नहीं रहेगा, वो किसी और का ही रहता है। तो ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा। तो ये चैनल बिल्कुल नया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ अपडेट रहने के लिए, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा और या कोई आपको कोई और वीडियो चाहिए या आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आके आपको सर्च मारना है PANZOID.com। जो मैंने वेबसाइट का नाम लिखा हुआ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो आपका ये जैसा पेज खुला, ऐसा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आप कोई भी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मन हो आप टेम्पलेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि चलिए हमने ये सिलेक्ट किया। इसे मैंने ऑलरेडी अपना एक इंट्रो बना लिया है जो कि आपने स्टार्टिंग में देखा, तो काफ़ी इजी है बनाना, कोई भी बना सकता है, आप भी बना सकते हैं। ज़्यादा आपने बहुत सारे चैनल्स में देखा होगा कि इस टाइप का है, इस टाइप का वीडियो रहे, मतलब इस टाइप का चैनल इंट्रो रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कैसा रहता है। ये बोल रहा है कि हम ओल्ड टाइप का वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग को ओल्ड क्यों, आप लोग को हम नया दिखाते हैं। आइए हम लोग कम्युनिटी टेम्पलेट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ देखते हैं। चलिए हम इसे चूज कर लेते हैं। इसे चूज करने के बाद हमें बस यहाँ पे ओपन इन क्लिप मेकर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऐसा पेज खुल जाएगा, लोड हो रहा है। लोडिंग इन में हल्का सा टाइम लेता है, प्लस आपके कंप्यूटर और नेट के स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा कंप्यूटर में बस 1 GB का रैम है, जिसकी वजह से नेट चलाने से और साथ में रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर प्लस दूसरे टैब खोलने से मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो हो जाता है। और इस स्लो को मैं फास्ट भी कर सकता हूँ, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि कैसे कंप्यूटर को फास्ट करें। तो मैं वैसे ही अपने कंप्यूटर को फास्ट करता हूँ, पर अभी करने का टाइम तो नहीं है क्योंकि अभी मैं आपको लिए ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। सो अब मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ ये कैसा लगेगा। देखिए अब ऐसा लगेगा, आप दूसरा कुछ भी चूज कर सकते हैं। चलिए पहले हम इसी पे बनाते हैं ट्यूटोरियल, आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, खैर हम इस पे काम कर लेते हैं। तो आप इस पे आइएगा, आपके यहाँ पे रेजुलेशन जो भी सेलेक्ट करने का मन होगा आप कर लीजिएगा, इसमें कोई नहीं है। मैं 1280x720 सेलेक्ट करता हूँ। ये 11 सेकेंड का वीडियो है, मतलब 11 सेकंड का जो इंट्रो बनेगा। इसको यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे टेक्स्ट का होगा, टेक्स्ट में क्लिक करके यहाँ पे बॉयकॉट, जिसका पहले से नाम रहेगा बॉयकॉट, उसको चेंज करने के लिए बस यहाँ पे आपको सिंपली नाम लिखना है, जो भी नाम हो आपका। जैसे मैंने लिखा टेक गाइड, मैंने यहाँ पे टेक गाइड लिख लिया। अब यहाँ पे आपको कैसे आपका ये जो है लिखा हुआ उसको चेंज कर सकते हैं, आपको फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो खैर मैं देखता हूँ अलग अलग करके कौन सा अच्छा होता है। ये
का छोड़िए, मैं यही रखता हूँ। इसके बाद आप नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद आपको हाइट और थिकनेस बढ़ाना है तो आप उसे कर सकते हैं, डिटेल्स में जाना तो उसे भी कर सकते हैं। और ये ऑन करेंगे तो देखिए आपका कैसा होगा, और ये ऑफ कर, जिसे मैं ऑफ ही रहने देता हूँ। साइज की बात करें तो 4 है तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। थिकनेस भी सही है। अब जरूरी नहीं है कि आप यही यूज करेंगे, आप दूसरा कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। पोजीशन में थोड़ा इसका डील करता हूँ। कि मेरे चैनल का वो पूरा दिखाई दे। ये यहाँ पे आ गया। आने के बाद अब इसमें कलर चेंज कर सकते हैं, आप जो भी कलर आपका चूज करने का मन हो। मैं रेड ले लेता हूँ। रेड लेने के बाद जब आपका कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि सही है, तो आप यहाँ पे आई बटन में ज़रूर क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक बार सेलेक्ट ओपन करके देख लीजिएगा आपका टेक इंट्रो कैसा है। मुझसे कुछ मिस्टेक हुआ, जैसे बॉयकॉट, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, टेक्स्ट बॉयकॉट, यहाँ पे मुझे इसको हटाना है। हाँ, अब मैं हटा दिया हूँ, अब मैं चल। अब देख सकते जो वहाँ पे बॉयकॉट आया था, अब नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं उसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे अलग से कुछ वीडियो डाल सकते हैं, आप अलग से कोई ऑडियो भी डाल सकते हैं, आपका कोई अपना ऑडियो है तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद सीधे यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद स्टार्ट वीडियो रेंडर में चले जाइए। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, काफ़ी ज़्यादा नहीं फिर भी बाकी उससे कम लेगा, जो Adobe After Effects से तो बहुत ही कम लेगा, क्योंकि उसमें रेंडरिंग का बहुत ज़्यादा झमेला होता है, इवन टाइम भी लेता है और सिस्टम स्लो भी हो जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा जल्दी होता है। तो तब तक रेंडर हो, तब तक मैं आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। ये मैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये काफ़ी नया चैनल है और मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इसे अच्छा बना पाऊँ। हाँ, हालाँकि बोलते समय मेरे से हिचकिचाहट होती है, मैं उतना फ्लुएंटली नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि उतना मेरी आदत नहीं है, फिर भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है। और आपको कोई क्वेश्चन होगा आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं, और ये जो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके आ सकते हैं। ये कोई रेफरल लिंक नहीं है, सीधा एक वेबसाइट का लिंक है, आप यहां से आकर कर सकते हैं। तो खैर, इसमें रेंडरिंग में बहुत टाइम लेगा, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर ले रहा हूं। वीडियो को पॉज करने के बाद जब ये रेंडरिंग ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं वीडियो को प्ले करके आपको आगे के प्रोसेस दिखाऊँगा। तो चलिए मैं वीडियो को पहले पॉज कर लेता हूँ। वहाँ पे रेंडरिंग था, वो रेंडरिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, मैं बहुत देर से रुका हुआ हूँ यहाँ पे, लेकिन ये रेंडर इतने में ही रुका हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ जो मैंने इससे पहले रेंडर किया था, जो आपने मेरे इंट्रो में देखा था। हालाँकि मैं बता दूँ कि इसके बाद रेंडर होने के कम्प्लीट होने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जहाँ पर रेंडर हो रहा है सेम यहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप उसमें क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली आपके जहाँ पे आपने डाउनलोड सर्च करके रखा है डायरेक्टली वहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा, जो आप किसी भी प्लेयर से चला सकते हैं, फिर आप किसी भी वीडियो में ऐड कर लीजिए। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने वीडियो बनाए थे वो कैसा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए यहाँ पर डाउनलोड में चले जाते हैं, जो डाउनलोड में डाउनलोड हुआ था। चलिए फिर हम यहाँ पर इसे विंडो मीडिया प्लेयर से ओपन कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कुछ ऐसे ही इंट्रो आपका ही बनेगा जो हमने बनाया था। तो आप इस वेबसाइट पर जाके आप कुछ कोई भी एक टेम्पलेट चूज करके आप एक वीडियो बना सकते हैं।
वो आपके हाथ में आप कैसा टेम्पलेट यूज करते हैं, आप कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, आपको उसमें कोई भी परेशानी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमें लाइक कमेंट और शेयर करके दे और सब्सक्राइब करके दे, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसे मैं नहीं बढ़ सकता। सो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।